सरकार की भूखमरी से रोकने के लिए पहले से व्यवस्था थी। पिछले 3 वर्ष से लगातार पूरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जा रहा है। और कोरोना काल कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए फ्री में वैक्सीन की सुविधा भी भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, दुनिया के अंदर भारत के सम्मान को आगे बढ़ाना, ये कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन की सरकार ने निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित किए। प्रदेश की बात जब हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो उसमें मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता था। यहां पर भी तो मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा कितना बदल चुका है मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम, आज एक नए रूप में सबके सामने आ रहा है। अब कोई भी आएगा, दुनिया और देश का कोई भी श्रद्धालु आएगा, आकर्षित होकर के जाएगा, मिर्जापुर की एक नई पहचान, एक नई छवि लेकर के जाएगा। भाइयों बहनों, अभी यहां पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ चल चुका है, और मिर्जापुर में तो स्वयं का एक मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित हो चुका है। आपके पास कहने के लिए है, आपके पास मेडिकल कॉलेज है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, सोनभद्र में भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है। और यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी जल का संकट। इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था, लोगों को दूर दराज के गदेरे में, तालाब में सूखा पानी कहीं से निकाल करके उस पानी को निकाल करके पीने के लिए लोग मजबूर होते थे, तमाम बीमारियों के शिकार होते थे। आज तो भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना को लागू किया जा रहा है। किसी बहन और किसी बेटी को सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी आने वाले समय में नई तय करनी पड़ेगी। हर घर तक हम शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मिर्जापुर जनपद तो आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहा है। यहां पर अभी वाटरवे प्रारंभ, अब तक तो आपने हाईवे सुना था, एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई सोनभद्र में युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आपने वाटरवे का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब यहां पे उसकी जेटी बनने को तैयार हो चुकी है मिर्जापुर में। आपकी केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। यहाँ के किसान जो सब्जी उत्पादन करेंगे, जो अन्न उत्पादन यहाँ का अन्नदाता किसान करेगा, यहाँ के नागरिकों के द्वारा यहाँ के जंगलों में जो जड़ी बूटियां उत्पादित की जाएगी, निकाली जाएंगी, उन्हें यहाँ के देश के मार्केट में बेचने के लिए और दुनिया के मार्केट में बेचने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम के पास बनने वाली जेटी के माध्यम से दुनिया के बाजार तक पहुंचाने और यहां का अच्छा दाम उसका प्राप्त होने के लिए एक सुविधा भी लोगों को प्राप्त होने जा रही है। हमारा मिर्जापुर बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, तो मिर्जापुर कहां पीछे रहने वाला है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये उपचुनाव
कोई आवश्यकता नहीं थी उपचुनाव की। और मैं सच कहता हूं, हमारी आत्मा अत्यंत दुखित थी उस दिन जिस दिन मुझे से आशीष पटेल जी ने जानकारी दी कि राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने पूछा, राहुल तो बहुत हंसता खेलता नौजवान लड़का, आखिर क्या हो गया? इन्होंने कहा, नहीं, इसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। मैंने कहा, उपचार की व्यवस्था? कहा, उपचार मैं कर रहा हूं। और सचमुच एक पिता एक भाई जितनी मेहनत कर सकता है उससे बड़ी मेहनत आशीष पटेल जी ने उसके लिए की, जहां तक ले जा सकते थे। देर में जानकारी मिली, अन्यथा उन्होंने उसे राहुल प्रकाश के उपचार के लिए अमेरिका तक ले जाने की पूरी प्लानिंग कर दी थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। अन्यथा अमेरिका तक ले जाने की व्यवस्था थी कि उनका उपचार करा करके किसी प्रकार से इसकी जान को बचानी है, क्योंकि वह लड़का मैं जानता था कितना संघर्षशील था, कितना सहिष्णु था, कितना सहज और सरल स्वभाव का था, कितना उनके चेहरे पर ही कितनी कोमलता थी, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, एक सहजता सरलता उनका स्वभाव था। अपनी बात को कहने के लिए भी जब आते थे पूरी शालीनता के साथ अपनी बात को कहते थे कि हमारे यहां फलाने जंगल में वन विभाग ने फलानी सड़क को रोका हुआ है, अगर वन विभाग से परमिशन मिल जाए तो हम अपनी जनता के लिए सड़क दे देंगे। उस फलानी जगह पे हमारी नेता ने कहा है कि यहां पे पेयजल की स्कीम जानी चाहिए, उस गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए, अपने प्रस्ताव को लेकर के आते थे। या फिर मिर्जापुर जनपद के अंदर 96 विधानसभा के अंदर वृद्धजनों की पेंशन की व्यवस्था हो, निराश्रित महिलाओं के पेंशन की व्यवस्था हो, दिव्यांग जनों के लिए पेंशन और उनके लिए उपकरण उपलब्ध करवाने का कार्य हो, लगातार इसके लिए मेहनत करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज अत्यंत दुखद स्थिति है कि वे हमारे बीच में नहीं, और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें इस चुनाव में आपके बीच आना पड़ा। हम आज आपके बीच में आए हैं इस बात को लेकर के। मैं तो आभार व्यक्त करने के लिए आया था कि आपने विधानसभा चुनाव में 96 में श्री राहुल प्रकाश कोल को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया था। भाइयों बहनों, ये देव योग है, वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, असमय उनकी मृत्यु हो गई। आज हम विधानसभा के उपचुनाव में आपके बीच में आए हैं और हमारे गठबंधन ने, अपना दल बीजेपी निषाद पार्टी के गठबंधन ने प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रिंकू कोल को, रिंकी कोल को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा। मुझे याद है जब कोल समाज से जुड़े हुए, जनजातीय समाज से जुड़े हुए लोगों के मकान की समस्या सामने आई थी, राहुल मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सेक्स सूची में नाम नहीं है, उन लोगों को भी मकान मिल जाए तो अच्छा रहता। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया था कि कोल जाति से जुड़े हुए चेरो थारू भुक्सा ये जितनी जनजातियां हैं, इसके अलावा मुसहर सहरिया, इन सबको हम 100% मकान देने का काम करेंगे। इसमें से कोई भी परिवार इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहने पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से जो कवर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर होंगे, और बाकी जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं कवर हो पा रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक नई योजना चलाई, वो चलाई मुख्यमंत्री आवास योजना। और भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता होती है कि उन सभी गरीबों के लिए एक एक आवास उपलब्ध करवाने में मदद मिल रही है। भाइयों बहनों, आज आपके मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, और अब तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में एक बिंदु विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आपके लिए बनने जा रही है। भाइयों बहनों, मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय
यहाँ के नौजवानों को एक पहचान भी देगा। कहीं भी जाएगा उसके साथ माँ विंध्यवासिनी की फोटो उसके साथ में, उसकी डिग्री के साथ में उसे आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही होगी। यही तो विरासत का सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान। यह माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लगातार पिछले 5000 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र वासियों के कुशल मंगल, उनके क्षेम और योग के लिए लगातार यह आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अब उनकी डिग्री में भी माँ विंध्यवासिनी का यह आशीर्वाद उनकी फोटो के साथ दिखाई देगा। और जहां कहीं भी यहाँ का युवा जाएगा अपने साथ डिग्री को लेकर के जाएगा तो माँ विंध्यवासिनी का आशीष उसके साथ में निरंतर बना रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम आपके पास आए हैं कहने के लिए एक सरकार विकास के लिए कार्य कर रही है, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमने तो आवास की सुविधा दी, शौचालय की सुविधा दी, रसोई गैस 1,75,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में अब तक उपलब्ध कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और अब तो डबल इंजन की सरकार ने यह भी तय किया है भाइयों बहनों कि दीपावली होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में और क्या नहीं है मिर्जापुर में, ये डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। और इसलिए जो लोग पहले आपके विकास में बाधा पैदा करते थे, जो बैरियर लगाते थे, जिन लोगों ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया था, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको